कोई भी चीज बनाना है तो जैसे मैं बेडशीट बनाऊंगा तो सबसे पहले बेड होना चाहिए हमारे पास, और बेड का जो बेसिक फीचर होगा एक बॉक्स की तरह होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिक फीचर पहले बना लिया बेड का, बेड का बेसिक फीचर इस तरह से बॉक्स से बनाया और इस तरह से हमने बॉक्स तैयार कर लिया। और हमने ज्यूम किया कि बेड है, क्योंकि अभी बेड हम नहीं बना सकते, बहुत टाइम लगेगा उसमें। इसके सेगमेंट्स बढ़ा लिए हम लोग, इसका कोई कोई यूज नहीं इसके सेगमेंट का, बट ऐसे बढ़ा है। अब मैं इस पर एक बेडशीट डालने जा रहा हूँ, बेडशीट क्या होगा, बेडशीट एक प्लेन होगा सर, उसी प्लेन के अंदर हम लोग डिजाइन करके बेडशीट बना रहे हैं। तो जस्ट प्लेन पे आपको क्लिक करना है, और प्लेन पे क्लिक करके यहाँ से आप जस्ट जितना बड़ा आपको बेडशीट लेना है, जैसे बहुत बड़ी बेडशीट ले लो या आप यहाँ से ले लो, यहाँ से इस तरह से अपने बेडशीट, ठीक है। अब इसके सेगमेंट्स काट लो बेडशीट के, आप ठीक है। तो बेडशीट के सेगमेंट कैसे कटेंगे, यहाँ पे आपको लेंथ सेगमेंट जितने आपको बढ़ाना है, जितने आप सेगमेंट बढ़ाओगे उतना अच्छा आपका बेडशीट तैयार होगा। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है जैसे आपका कोई सॉफ्ट कपड़ा होता है, सॉफ्ट कपड़ा कभी फटता नहीं है, ऐसे ही इसमें जो बेडशीट बनती है, बेडशीट पे जितने सेगमेंट रहेंगे उतना सॉफ्ट बनेगा, उतना ही उसके लाइक पास पास उसके धागे होंगे ना, तो कम फटेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे भी यूज होता था, हमने क्या किया ढेर सारे सेगमेंट्स बढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए सेगमेंट हमारे एकदम पास पास हो गए, अभी हमें लगता है कि अभी हम और डेंजर जोन में हैं, तो और हमें सेगमेंट्स को बढ़ा लेना चाहिए। अब इसको अब क्या है, लेकिन जैसे हम किसी बेडशीट को लगाना है तो सबसे पहले उसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो हमने उठाने के लिए यहाँ पे मूव कमांड यूज़ किया, मूव कमांड यूज करके जस्ट ऐसे में मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो टाइम लगेगा इसमें ज़्यादा, जितना आप ऊपर रखोगे उतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको लगाने के लिए किसी भी काम को करने के लिए आपको मॉडिफाई पे जाना पड़ता है, अभी हम लोग कहते हैं ना मॉडिफाई पे, ऐसे यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे और सारे काम के लिए कमांड जो है वो यहाँ पर डालेंगे मॉडिफाई। जैसे यहाँ पे क्लिक करना है तो ये क्लोथ का काम होने वाला है, क्लोथ है ना ये, तो क्लोथ के लिए हम लोग को यहाँ पे सी क्लिक करना है, जैसे सी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोथ, ठीक है। क्लोथ लेकर हमने एंटर कर दिया, जैसे क्लोथ लेकर एंटर किया देखिए क्लोथ पे आ गया, तो हमने क्या किया इस तरह से इसको मूव कर लिया, ठीक है। मूव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देनी होती है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिया, अब जो हमारा प्लेन है इस प्लेन को हम लोग क्लोथ बनाने वाले हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लोथ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लोथ पे क्लिक किया तो ये क्या हो, प्लेन हमारा क्लोथ हो गया, ठीक है। अब जो नीचे बेड है वो बेड हमारा क्या है, कोलिजन ऑब्जेक्ट है, कोलिजन ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर गिरेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेड को ऐड करना है, बेड को ऐड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, ऐड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पे जैसे हम बॉक्स वन पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे, ये देखिए बॉक्स वन ऐड हो गया। अब ये बॉक्स वन हमारा कौन सा था, ये बॉक्स था जो जिससे हम बेड बनाए हैं। तो ये क्या है, जो हमारा बॉक्स वन है ये हमारा कोलिजन ऑब्जेक्ट है, तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। एक बार हम रीचेक कर लेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट सही है कि नहीं, तो हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पर क्लिक किया, प्लेन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्लोथ को फिर से सेट कर दिया और ओके कर दिया। अब हमारा प्लेन क्लोथ बन गया है और जो बॉक्स है वो कोलिजन ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अब इसको हम चलाएंगे, लाइक अपने इसको चलाएंगे, तो जैसे आप यहाँ से चलाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जैसे सेपरेट लोकल पे क्लिक करेंगे, देखिए तुरंत बेडशीट नीचे क्यों गिरने लगेगा, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आता, और सही टाइम पे हमें इसको बंद करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा देर तक हम इसको चलाएं तो फट जाएगा। तो ये भी हमें यहाँ से देखते रहना है, बेड सीट है, मैट आप बना सकते हो उसमें, जैसे मैट की डिजाइन करनी है तो मैट भी आप बना सकते हो उससे। रोक देना चाहिए, रोक के देखिए रीसेट का ऑप्शन होगा, रीसेट स्टेट को क्लिक कर देना है, ठीक है।
क्योंकि ये और ये जो बॉक्स है इसको समझ नहीं पाया कि कोलिजन ऑब्जेक्ट है, तो हमें फिर से इसके लिए इसलिए मैंने एक बार चेक किया था लेकिन फिर भी उसने लिया नहीं। तो जब प्रॉपर्टी पे जाकर जब बॉक्स को क्लिक करेंगे तो देखिए इंटरेक्टिव नहीं है, इसको तुरंत आपको कोलिजन ऑब्जेक्ट क्लिक करके तब ओके कर देना चाहिए। अब ये बहुत टाइम ले रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं नीचे करना चाहूँ इसे थोड़ा जल्दी मिले, और फिर से आप इसको सबमिट कर देना चाहते हैं स्टेप ले लिया। क्लियर है, अब करिए जस्ट क्लिक किया, अब सेवलेट लोकल
इससे आप सैमुलेट लोकल पे क्लिक करोगे, देखिए पिलोमीटर में प्रेशर आ गया, ठीक है। अब ये प्रेशर आके तुरंत इसके ऊपर गिर जाएगा, इसको ध्यान से देखना पड़ता है, लेकिन नहीं तो बेड के अंदर चला जाता तो हमें लाइक देखने में थोड़ा अच्छा भी नहीं आता उसको। एक व्यू में देखेंगे तो हमें अच्छा सा फील तैयार हो गया। तो जो हमने डैम्पिंग डाला था वो डैम्पिंग ये है, ये जो हमें रियलिस्टिक दिखे, ठीक है। तो अगर हमें डैम्पिंग कम लग रहा है तो हमने 4 डाला तो उसको 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, डैम्पिंग आया। और ये प्रेशर है, अगर हमें इसका प्रेशर कम करना है 30 में डाला है 20 करेंगे तो और कम आएगा, ठीक है, उसके अलावा कर ले। तो अब इसका एक नॉर्मल रेंडर व्यू अभी चल रहा है जो मैं आपको रेंडर पे दिखा देता हूँ, क्योंकि और रेंडर के लिए आपको सेटिंग करनी पड़ती है। तो नॉर्मल रेंडर के लिए इसको जस्ट आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए रेंडर को ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको नॉर्मल रेंडर आ जाएगा। ये देखिए नॉर्मल रेंडर हमें देख लिया कि किस तरह से लोग पिलो बनाएंगे और किस तरह से बेड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैसे पिलो और बेड, सॉरी ओके, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर सर बेडशीट बनाते रहे तो जैसे हमारे बेडशीट, आप देखिए हमने क्या किया, सीगमेंट्स को कम कर दिया, और सीगमेंट को कम करने के बाद हम देख रहे हैं तो क्या हमारे बेडशीट फट गया है। तो अब जैसे बेडशीट फट गया तो इस पर हमें क्या करने का, थिकनेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो थिकनेस कैसे प्रोवाइड करेंगे, थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मॉडल ऐप जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिससे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कमांड उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। ये सेल कमांड हर जगह काम देगी, लाइक आपको स्लैब बनाना है प्लेन लिया, प्लेन लेके उसको 6 inches का स्लैब दे देने का, ठीक है, थिकनेस दे देने का। जब जैसे आप स्लैब क्लिक करते हो और यहाँ पर देख रहे हैं कि इनर होता है अमाउंट होता है, एक होता है आउटर अमाउंट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब स्लैब करते रहेंगे फिर भी पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आउटर अमाउंट हमें बढ़ा देने का, जैसे जैसे आप आउटर अमाउंट बढ़ा दे जाओगे क्या होगा, उसको फिल कर देगा, राइट। तो अभी इतना भी नहीं फाड़ना है कि देख कितना मोटा हो गया ये, ना इतना भी नहीं फटना चाहिए, आप पहले कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मुझे दिखाना था कि इससे फट गया तो रोकने के कैसे, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेल कमांड से किसी भी चीज़ पर थिकनेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने आउटर पैड में प्लेसफुल पढ़ा था, तो प्लेसफुल के अंदर मटेरियल ऐड करता है तो नहीं होगा, जस्ट लाइक यहाँ पर मटेरियल ऐड करने के काम सेल करता है, ओके। होप आप समझ गए होंगे।